अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की कुंडली का अवलोकन करते हैं तो कांग्रेस की कुंडली में अभी राहु की महादशा चल रही है। राहु में बुध का अंतर चल रहा है। कांग्रेस की कुंडली बुध सप्तमेश और कर्मेश, सप्तम और कर्म का स्वामी होकर द्वादश स्थान यानी कि व्यय स्थान में बैठा हुआ है। व्यय स्थान में बैठने के कारण कांग्रेस को वो सत्ता प्राप्ति में अवरोधक बना हुआ है यानी अवरोध उत्पन्न करता है। वहीं यदि हम बीजेपी की कुंडली देखते हैं तो बीजेपी को चंद्र की महादशा चल रही है। चंद्रमा द्वितीय धन स्थान का स्वामी है और उसमें मंगल की अंतरदशा है। मंगल षष्ठेश और एकादशेश यानी कि व्यय और उन्नति, लाभ और उन्नति का कारक बना हुआ है। तो चंद्र और मंगल ये दोनों बीजेपी को उन्नति की ओर ले जाते हैं यानी कि पुनः सत्ता प्राप्ति के योग बना रहे हैं। ये तो स्टेट लेवल के जो चुनाव होते हैं राज्य स्तरीय, इसमें राज्य के ग्रह देखे जाते हैं और जब राष्ट्रीय स्तर के चुनाव होते हैं तो उसमें देश की कुंडली देखी जाती है। विजय के लिए बीजेपी के जो स्टार अभी बलवान है, बीजेपी का जो है चंद्र की महादशा चल रही, चंद्रमा धनेश है वो छठे स्थान में बैठा हुआ है तो और षष्ठेश जो है की अंतरदशा चल रही यानी कि जो महादशा स्वामी है वो अंतरदशा स्वामी की राशि में ही, राशि के ही स्वामी में बैठा हुआ है। जैसे चंद्रमा धनेश है उसकी महादशा है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है और चंद्र की महादशा में मंगल की अंतरदशा चल रही है यानी कि चंद्रमा मंगल की अंतरदशा के राशि में ही बैठा हुआ है और मंगल का एक घर एकादशेश यानी कि लाभ का स्वामी है और दूसरा विजय का स्वामी है और चंद्र मंगल दोनों ही बीजेपी को विजय की ओर आगे बढ़ाते हैं। चूंकि चंद्रमा षष्ठेश है, चंद्रमा छठे घर में बैठा हुआ है और नीच राशि में बैठा हुआ है तो पिछले 2014 के चुनाव की अपेक्षा थोड़ा इनको कुछ कमियां दिखाता है। शक्ति की आराधना इनको करना चाहिए चंद्रमा की दशा और मंगल की अंतरदशा के अंदर। बीजेपी की कुंडली के अंदर गुरु चांडाल योग भी बना हुआ है, इनको चांडाल शांति करवाना चाहिए।